लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 12 दिन बाद फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले दो दिनों में मिलेगी गर्मी से राहत नई दिल्ली। मानसून कमजोर होने के कारण उत्तर भारत पिछले दो सप्ताह से भीषण गर्मी की चपेट में है। दो सप्ताह के बाद शनिवार को मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर झारखंड एवं बिहार में मानसून के पहुंचेगा और राज्य के लोगों को गर्मी से राहत देगा। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 27 जून से प्री मानसून बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला मानसून सक्रिय हो गया है। दो दिनों के भीतर यह छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के बाकी हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। वहीं यह अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसका असर पश्चिमी भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा। बता दें कि झारखंड, बिहार तथा मध्य प्रदेश में मानसून समय से 10 दिन लेट चल रहा है। विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मानसून तेजी से सक्रिय होगा और देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी मानसून के आने में देरी हो चुकी है, लेकिन विभाग ने 27 से समूचे उत्तर पश्चिम भारत में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में मानसून की भारी बारिश जारी है, जिस कारण से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात तक पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों में पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बार सामान्य मानसून की बात कही गई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले 23 दिनों के आंकड़ों को देखें तो बारिश में 10% की कमी देखने को मिली है। इस समय सीमा के अंदर लगभग 110 मिमी बारिश होनी चाहिए, लेकिन 99.5 मिमी बारिश ही दर्ज की गई है, जो कि 10% कम है। पश्चिम भारत में 24, पूर्वोत्तर में 29 और मध्य भारत में 9% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगर बात दक्षिण भारत की करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई है।